हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अखंड प्रताप सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अर्थक्वेक क्या होता है, कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक, इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक के बारे में। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, अर्थक्वेक कंस्टिट्यूट वन ऑफ द वर्स्ट नेचुरल हैजार्ड्स विच ऑफन टर्न इंटू डिजास्टर कॉजिंग वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन एंड लॉस टू ह्यूमन लाइफ। इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक वेरी अपॉन द मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी। अर्थक्वेक अकर्स एवरी नाउ एंड देन ऑल अराउंड द वर्ल्ड एक्सेप्ट इन सम प्लेस वेयर अर्थक्वेक्स अकर रेयरली। द डेवस्टेशन ऑफ सिटीज एंड टाउन्स इज वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। वॉट इज अर्थक्वेक, अर्थक्वेक क्या होता है? एन अर्थक्वेक इज द रिजल्ट ऑफ ए सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन द अर्थ क्रस्ट दैट क्रिएट सीस्मिक वेव्स। अचानक से सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन द अर्थ क्रस्ट दैट क्रिएट सीस्मिक वेव्स के कारण सीस्मिक वेव्स क्रिएट होती हैं, जनरेट होती हैं, जिसके कारण आपका अर्थक्वेक जनरेट होता है। द सीस्मिक एक्टिविटी ऑफ एन एरिया रेफर्स टू द फ्रिक्वेंसी टाइप एंड साइज ऑफ अर्थक्वेक एक्सपीरियंस्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अर्थक्वेक का जो साइज है वो डिपेंड करता है फ्रिक्वेंसी पर, सीस्मिक एक्टिविटी ऑफ एन एरिया जो रेफर करेगा आपका फ्रिक्वेंसी को, टाइप को एंड साइज ऑफ अर्थक्वेक को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल के लिए आप किसी पॉन्ड में, इफ़ यू थ्रो स्टोन ए पॉन्ड ऑफ स्टिल वाटर, आप किसी ठहरे हुए तालाब के पानी में आपको स्टोन फेंकते हैं तो सीरीज ऑफ वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो सीरीज ऑफ वेव्स प्रोड्यूस होती हैं इन द सरफेस ऑफ वाटर, दीज वेव्स स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन। ये वेव सभी डायरेक्शन में स्प्रेड होती हैं फ्रॉम द पॉइंट वेयर द स्टोन स्ट्राइक द वाटर, उस पॉइंट से जहाँ पर स्टोन फेंका गया था। सिमिलरली उसी तरह एनी सडन डिस्टर्बेंस इन द अर्थ क्रस्ट में प्रोड्यूस वाइब्रेशन इन द क्रस्ट विच ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस। उसी तरह अचानक से कोई डिस्टर्बेंस होता है अर्थ क्रस्ट में, उसके कारण वाइब्रेशन जनरेट होते हैं क्रस्ट में, वो सभी डायरेक्शन में आपके ट्रेवल करेंगे फ्रॉम पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस से, जिस पॉइंट से आपका डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है। टर्म्स रिलेटेड टू अर्थक्वेक, कौन कौन से टर्म्स आपके रिलेटेड हैं अर्थक्वेक से? फर्स्ट इज फोकस हाइपोसेंटर। फोकस इज द पॉइंट ऑन द फॉल्ट वेयर रप्चर अकर्स एंड द लोकेशन फ्रॉम विच सीस्मिक वेव्स आर रिलीज। फोकस आपका पॉइंट है जहाँ से हमारी सीस्मिक वेव्स रिलीज होती हैं। नेक्स्ट इज इपीसेंटर। इपीसेंटर इज द पॉइंट ऑन द अर्थ सर्फेस दैट इज डायरेक्टली अबव द फोकस, द पॉइंट वेयर एन अर्थक्वेक और अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन ओरिजिनेट्स। इपीसेंटर आपका पॉइंट है अर्थ सरफेस पर डायरेक्टली अबव द फोकस, फोकस के ऊपर वह पॉइंट है जहां से आपका अर्थक्वेक और अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन ओरिजिनेट्स हुआ है। फॉल्ट लाइन। फॉल्ट लाइन इज द सरफेस स्ट्रेस ऑफ ए फॉल्ट, द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द अर्थ सरफेस। फॉल्ट प्लेन। फॉल्ट प्लेन आर द क्रैक्स और सडन स्लिप्स ऑफ द लैंड। फॉल्ट प्लेन आपका क्रैक्स होते हैं और सडन स्लिप्स ऑफ द लैंड। फॉल्ट क्रैप। फॉल्ट क्रैप इज द टोपोग्राफिक एक्सप्रेशन ऑफ फॉल्टिंग एट्रीब्यूटेड टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लैंड सरफेस बाय मूवमेंट अलोंग द फॉल्ट। फॉल्ट स्क्रैप इज द टोपोग्राफिक एक्सप्रेशन होता है आपका फॉल्टिंग एट्रीब्यूटेड टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लैंड सरफेस बाय मूवमेंट अलोंग द फॉल्ट। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक्स। द प्राइमरी कॉज ऑफ एन अर्थक्वेक इज फॉल्ट ऑन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट इज ए फॉल्ट इज ए ब्रेक और फ्रैक्चर बिटवीन टू ब्लॉक्स ऑफ रॉक्स इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। दिस मूवमेंट मे अकर रैपिडली इन द फॉर्म ऑफ एन अर्थक्वेक और मे अकर स्लोली इन द फॉर्म ऑफ क्रीप। ये मूवमेंट आपका रैपिडली जनरेट होगा इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक के रूप में, और मे अकर स्लोली धीरे धीरे अकर होगा इन द फॉर्म ऑफ क्रीप के फॉर्म में। अर्थ साइंटिस्ट यूज द एंगल ऑफ द फॉल्ट विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस नोन एज ऑल्सो नोन एज डिप एंड द डायरेक्शन ऑफ स्लिप अलॉन्ग द फॉल्ट टू क्लासीफाई फॉल्ट्स। फॉल्ट्स को क्लासीफाई करने के लिए अर्थ साइंटिस्ट एंगल ऑफ द फॉल्ट को यूज करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस एंड द डायरेक्शन ऑफ स्लिप अलॉन्ग द फॉल्ट। कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक। सम मेजर कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक्स ऑन बेसिक इट्स कॉजेज आर सरफेस कॉजेज,
वॉल्केनिक कॉजेज, टेक्टोनिक कॉजेज. फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट सरफेस कॉजेज. सरफेस कॉजेज ग्रेट एक्सप्लोजन्स, लैंडस्लाइड्स, स्लिप्स ऑन स्टीप कोस्ट, डैशिंग ऑफ सी वेव्स, एवलांचेस, रेलवे ट्रेन्स, हैवी ट्रक्स. सम लार्ज इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स कॉज माइनर ट्रीमोर्स, सम ऑफ देम आर मेन मोड अदर नेचुरल्स. इनके कारण ये सरफेस कॉजेस है, इनके कारण क्या है आपका अर्थक्वेक जनरेट होता है, क्रिएट होता है. वॉल्केनिक कॉजेस, वॉल्केनिक इरप्शंस प्रोड्यूस अर्थक्वेक्स. अर्थक्वेक्स में प्रोसीड ए कंपनी एंड फ्रीक्वेंटली फॉलो वॉल्केनिक इरप्शंस. दे आर कॉज्ड बाय सडन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लावा विद इन और बीनीथ द अर्थ क्रस्ट. सडन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लावा विद इन और बीनीथ द अर्थ क्रस्ट के कारण भी आपका अर्थक्वेक जनरेट क्रिएट होता है. नेक्स्ट, देयर आर टू जनरल कैटेगरीज अर्थक्वेक्स देन अकर एट ए वॉल्केनो. वॉल्केनो टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स एंड लॉन्ग पीरियड अर्थक्वेक. नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट टेक्टोनिक कॉजेस. स्ट्रक्चरल डिस्टर्बेंस रिजल्टिंग इन द पार्ट्स ऑफ लिथोस्फीयर इज द मेन कॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ अर्थक्वेक. मोस्ट ऑफ द डिजास्टर्स अर्थक्वेक अलोंग टू दिस कैटेगरी एंड अकर इन एरियाज ऑफ ग्रॉट फॉल्ट्स एंड फ्रैक्चर्स. Sudden yielding to strain produced on the rocks of accumulating stress causes displacements, especially along old fault zones known as Great Transmort Fault. Thank you.